नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे केसीन प्रोटीन के बारे में, वे प्रोटीन के बारे में। एक वीडियो हमने बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में स्क्रॉल करके देख सकते हैं। वे प्रोटीन के बाद लोगों ने डिमांड करी केसीन, सो केसीन के बारे में आपको जानकारी ऑथेंटिक प्रैक्टिकल और प्रॉपर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी, नो बकवास। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज केसीन? सी, केसीन इज द मेन प्रोटीन। केसीन मेन प्रोटीन है दूध का। दूध के अंदर जो मेन प्रोटीन होता है उसमें 80% केसीन होता है, 20% वे होता है। जी हाँ, और ये वो हिस्सा है दूध का, जब दूध का आप फाड़ देते हैं दूध का, या जब दही बना लेते हैं तो दूध का जो हिस्सा गाढ़ा हो जाता है, जो सख्त हो जाता है, वो हिस्सा सॉलिडिफाई हो जाता है, वो केसीन होता है। जब दूध का आप पनीर बना देते हो, वो पनीर जो सॉलिडिफाई होता है वो केसीन होता है। सो टेक्निकली पनीर इज मोस्टली केसीन, राइट? पनीर इज मोस्टली केसीन। एंड जो लोग एक्चुअली दूध पीते हैं, जिनको दूध पनीर लेते हैं, वो पनीर आपके अंदर जाता है, दूध अंदर जाता है, केसीन अंदर जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके बॉडी के उसको आराम से ब्रेक करते हैं और वो बनाते हैं केसीन पेप्टाइड्स। ये केसीन पेप्टाइड्स आपके अंदर एब्जॉर्ब होके बहुत सारे काम करते हैं और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं इन केसीन में, जो भी आज हम बात करेंगे। लेकिन ये केसीन पेप्टाइड्स या ये केसीन प्रोटीन लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली, और इसको डाइटरी सप्लीमेंट्स के द्वारा बेचा जा सकता है, जो बेचा जा रहा है। इस केसीन प्रोटीन के अंदर, केसीन फूड सोर्स के अंदर, ना सिर्फ अमाइनो एसिड है, पूरे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड, कंप्लीट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज है, और मेन दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है कैल्शियम एंड फॉस्फरस, जो बहुत ज़रूरी है बोन्स के लिए, आपके बोन्स जॉइंट स्ट्रेंथ के लिए, राइट? सो बोन्स जॉइंट के लिए कैल्शियम फॉस्फरस वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोइंग एज के लिए बहुत ज़रूरी है। और केसिन में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं जेल बना लेने की, क्लॉट, एक गोला बॉल बना लेने की प्रॉपर्टी। जब वो आपके पेट में जाता है, राइट, एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है, सो जैसे ही वो वहाँ जाता है वो फट जाता है। जैसे आपने दूध में कभी नींबू निचोड़ा है, दूध फाड़ा है, तो वो फट जाता है, वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और बाकी लिक्विड वे अलग हो जाता है। तो वही जो क्लॉट बन जाता है, जो जेल बन जाता है, वो पेट के अंदर बन जाता है और ये बड़ा सा गोला बन जाता है अंदर। और ये गोला क्या होता है, जो आपकी बॉडी उसमें से अमाइनो एसिड लेती है, वो एक एक बाहर के सर्फेस से लेती है, अंदर नहीं जा पाती, वो गोला टूटता नहीं, वो थोड़ा स्लो 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 गैस्ट्रिक एम्प्टींग, यानी पेट से ही नीचे अथड़ियों में खाना, यानी वो केसीन पेट से ही नीचे स्लोली जाता है, नीचे एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए केसीन स्लो एब्जॉर्ब होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो करता है, और इसलिए दूध के साथ खाई गई कोई भी चीज़ साथ में स्लो एब्जॉर्ब होती है, दूध के साथ खाई गई चीज़, दैट्स द आइडिया। सो केसीन प्रोटीन से, इस वजह से स्लोली सस्टेन्ड आपके बॉडी को खून में अमाइनो एसिड सप्लाई करता है लंबे समय के लिए, कई बार 8 घंटे 10 घंटे तक अमाइनो एसिड सप्लाई कर सकता है। इसीलिए ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, बहुत 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 काम का प्रोटीन है। पर ये दो फॉर्म में आता है, हम जिस फॉर्म की बात कर रहे हैं अभी वो है मिसिलर फॉर्म। मिसिलर जो नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म होता है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, जो कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। लेकिन दूसरा भी एक फॉर्म है, केसीन प्रोटीन को प्री डाइजेस्ट यानी हाइड्रोलाइज करके भी लिया जाता है, दैट इज हाइड्रोलाइज्ड केसीन। इसको प्रोटीएज ट्रिप्सिन नाम के एक प्रोटीएज एंजाइम से हाइड्रोलाइज करके फिर पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, प्री डाइजेस्टेड, तो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वाला प्री डाइजेस्टेड हाइड्रोलाइसेटेड केसीन। मिसिलर केसीन ऐसा नहीं, मिसिलर केसीन स्लो डाइजेस्ट, बिकॉज ये स्लो डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी को सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देता है, इसीलिए ये बहुत काम का है ऐसी कोई भी सिचुएशन में जब लंबे समय के लिए आपको प्रोटीन नहीं मिलने वाला, अमाइनो एसिड नहीं मिलने वाले। बिकॉज हमने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो, अगर आप हमें फॉलो करते हैं, आप जानते हैं कि आपकी बॉडी को पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन नहीं चाहिए, प्री वर्कआउट प्रोटीन नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली प्रोटीन चाहिए, एवरी आवर, हर घंटे, पूरे 24 घंटे प्रोटीन सप्लाई चाहिए। अब हर घंटे तो नहीं खा सकते, इसीलिए लोग 7 मील, 8 मील, 6 मील पूरे दिन में इतने सारे बार खाना खाते हैं, या फिर
केसीन प्रोटीन लेते हैं। जी हाँ, रात को लोग केसीन प्रोटीन इसीलिए लेते हैं क्योंकि केसीन प्रोटीन से आपके पेट में बाहर के गोला बन जाएगा, वो गोला धीरे 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 एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा प्रोटीन और वो ब्लड में अगले 8 घंटे तक प्रोटीन आता रहेगा, 8 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली। सो इसीलिए इट इज़ वेरी गुड व्हेन यू गो टू स्लीप, सोने से पहले, सोने से आधा घंटा पहले, थोड़ा देर पहले, क्योंकि एकदम से खा के लेटना नहीं चाहिए, इसलिए सोने से आधा घंटा पहले आप लिखा के फिर थोड़ा सा टहल टूल के यहाँ से लेट जाए, राइट। और अगर आप ऑफिस जाते हैं और पूरे दिन भर में आपको प्रोटीन नहीं मिलता तो सुबह केसीन खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह केसीन खा के 8 घंटे की जॉब करके वापस आएंगे, आपका प्रोटीन सप्लाई मेंटेन रहेगा। सो केसीन इज़ वेरी गुड फॉर पीपल लाइक मी, फॉर पीपल जो ऑफिस जाते हैं, जिनको हॉस्पिटल में, ऑफिस में कहीं पर प्रोटीन सप्लाई नहीं मिलने वाला, इसलिए सुबह सुबह दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ कुछ ना कुछ लेके ज़रूर बाहर निकलना है, और रात को भी दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ ज़रूर लेना है, बिकॉज उसमें जो प्रोटीन है उसका 80% केसीन है, राइट। अब उसमें फैट है, इसलिए आप उसको डबल टोन, स्किम्ड मिल्क तक फैट को निकाल सकते हैं। सो वो एक आइडिया हुआ, बट देन केसीन इज़ वेरी गुड, वेरी गुड फॉर दिस पर्पस। फिर केसिन एक एंटी कैटाबॉलिक प्रॉपर्टी भी रखता है। एंटी कैटाबॉलिक का मतलब, जब आप केसिन आपकी बॉडी में होता है और कॉन्स्टेंटली स्लोली प्रोटीन सप्लाई करता है तो आपकी मसल ब्रेकडाउन नहीं होती, आपकी मसल ब्रेकडाउन कम होती है, इतनी कम होती है कि आपकी ल्यूसीन की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती है। जी हाँ, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ एंटी कैटाबॉलिक, मतलब वही चीज़, स्लो सस्टेन सप्लाई ऑफ अमाइनो एसिड। टेक्निकली आप वे प्रोटीन को केसीन प्रोटीन से कंपेयर करोगे तो आप जो चार्ट में देखोगे कि वे प्रोटीन में ल्यूसीन ज़्यादा है, केसीन में ल्यूसीन थोड़ा कम है, 3 ग्राम कम होगा, राइट। और लेकिन दूसरे ब्रांचर अमाइनो एसिड आपके केसीन में ज़्यादा है, वैलिन ज़्यादा है, आइसोल्यूसिन ज़्यादा है, टायरोसिन ज़्यादा है, टायरोसिन से डोपामीन बनता है जिससे फील गुड होता है, तो केसीन इज़ बेटर फील गुड वाला प्रोटीन, ज़्यादा अच्छा फील होता है, ज़्यादा टेस्टी फील होता है, ज़्यादा बार पीने का मन करता है इसीलिए। लेकिन ल्यूसीन थोड़ा कम है तो आपकी मसल ग्रोथ की स्पीड कम हो जाती है, बट रिसर्च कुछ और ही बताता है, रिसर्च बताता है कि लंबे समय में ये देखा गया है कि नेट ल्यूसीन बैलेंस बॉडी के अंदर केसीन प्रोटीन से ज़्यादा आता है, लेकिन वे प्रोटीन लेने से कम आता है। व्हाई? बिकॉज वे प्रोटीन आप दिन में 1 बार 2 बार लेते हो, 3 बार लेते हो, और वो लेते ही आपका 2-3-4 घंटे में सिस्टम से निकल जाता है। वे प्रोटीन बॉडी में अमाइनो एसिड हाइप करता है जल्दी से और जल्दी से निकल जाता है, बिल्कुल जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, लेकिन सिंपल से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेटर है। सेम वे सिंपल वे से कॉम्प्लेक्स केसिन इस चीज़ में बेटर है कि वो स्लोली लंबे समय तक आपका प्रोटीन मेंटेन रखता है, उससे ल्यूसीन कम है लेकिन फिर भी ऑल टुगेदर लंबे पीरियड में सेम टू सेम वे प्रोटीन के जैसा मसल ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। रैदर लंबे समय में मसल ब्रेकडाउन कम होती है तो मसल मेंटेनेंस, मसल प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है केसिन प्रोटीन के साथ। इसीलिए केसिन प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, कटिंग में खासकर, बॉडी बिल्डिंग बल्किंग में खासकर बहुत यूज़ होता है। सो नो इश्यूज़ विद दैट, उसको यूज़ करना भी चाहिए। और कंपैरिजन में बहुत सारे रिसर्चेस में रिपीटेडली दिखाया गया है कि केसिन से मसल ग्रोथ, मसल स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज होती है अगर आप इसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करेंगे। ऑब्वियसली प्रोटीन का कोई महत्व नहीं अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन वेट लॉस में केसिन बहुत काम करेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन देगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले करेगा, तो अंदर ही अंदर इंसुलिन पीक करना भी कम करेगा, तो इट विल हेल्प इन फैट लॉस एज वेल, पतले होने के लिए बहुत काम करता है। और साथ ही केसिन पेप्टाइड जो होते हैं वो देखा गया है कि ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे भी, एंजाइटी फटीग इन पे भी। ऑब्वियसली याद रखिए टायरोसिन ज़्यादा है, डोपामिन स्टिमुलेट फील गुड एंजाइटी पे इफेक्ट करेगा, राइट। फटीग पे इफेक्ट करेगा, स्ट्रेस पे इफेक्ट करेगा, एपिलेप्सी, इंटेस्टाइनल बीमारियाँ, क्योंकि दही भी उससे ही बनता है तो इंटेस्टाइनल बीमारियों के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है। सो केसिन इज़ वेरी गुड।
क्यों ब्लड प्रेशर क्यों कम करता है? बिकॉज केसिन के अंदर कुछ ऐसे पेप्टाइड्स हैं जो ब्लड के खून की वेसल्स ब्लड वेसल्स के डायमीटर को थोड़ा बढ़ाते हैं। यस, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसा, याद है? हाँ, बढ़ाते हैं, जी हाँ। इसलिए ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो, लेकिन होता है, राइट? और ओवरऑल केसिन प्रोटीन लेने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका टोटल प्रोटीन इनटेक, बॉडी का बैलेंस इंप्रूव होगा, इससे आपकी वेट लॉस और मसल ग्रोथ दोनों में ज़ोरदार फायदा होगा। यहाँ तक कि कई लोगों ने, खासकर हमारे वीडियो देखने वाले इवन बड़े बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर्स हमें जो फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने रेगुलर वे प्रोटीन, जिसकी अभी फ़िलहाल कोई मार्केट में गारंटी नहीं है, ओरिजिनल है नहीं है, उसको सिंपल दूध से रिप्लेस किया, जो दूध वो खुद निकलवा के लाते हैं या डबल टोन स्किम मिल्क लाते हैं, जिसकी थोड़ी बहुत अश्योरिटी है। देखिए, नकली तो सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, राइट? सब कुछ नकली आ सकता है दुनिया में, तो दैट इज़ हेयर इट कम्स। बाकी एलर्जी हो सकती है आपको, मिल्क एलर्जी, केसिन एलर्जी। मिल्क एलर्जी लैक्टोस से एलर्जी है, तो केसिन प्रोटीन हो या वे प्रोटीन, दोनों में थोड़ा बहुत लैक्टोस हो सकता है, वो दोनों आपको ब्लोटिंग कर सकते हैं, दिक्कत कर सकते हैं, और मिल्क भी कर सकता है। तो अगर आपको एक्चुअल लैक्टोस एलर्जी है, तो आपको फिर लैक्टोस की मेडिकेशन, जो लैक्टेज का एंजाइम आता है, वो लेना पड़ेगा, या फिर आप लैक्टोस फ्री केसिन, जो आइसोलेटेड केसिन है, वो ले सकते हैं। और अगर आपको केसिन से ही एलर्जी है, कई लोगों को होती है केसिन से एलर्जी, उस केस में आपको अवॉइड करना है केसिन पेप्टाइड्स, राइट? तो दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले चला आता था उन लेट 90s से अर्ली 2000, नो पहले डेकेट में 2009-10 के पहले, और अभी भी कई लोग बिलीव करते हैं A1A2 प्रोटीन, A1A2 केसिन मिल्क वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। हुआ क्या था कि एक कंपनी A2 कॉरपोरेशंस ने एक नया मिल्क बनाया A2 प्रोटीन वाला, A2 बीटा केसिन, जिसमें के उसने एक जो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड की चेन होती है, उसमें 67th पोजीशन पे प्रोलीन अमाइनो एसिड है, और जो A1 वाला है उसमें हिस्टडीन है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे उन्होंने कुछ अपने तरफ से रिसर्च करी और रिसर्च में दिखाया, और बहुत सारी रिसर्चेस भी दिखाई, जिसमें कि आया कि A1 जो प्रोटीन है, उसी के वजह से क्रोनिक बीमारी होती है, उसी के वजह से एक मेटाबोलाइट बनता है जो कि थोड़ा सा ओपियोइड जैसा है, और वो आपको क्रोनिक बीमारी, BP, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ये सब उसके वजह से हो रहा है। लेकिन और यहाँ तक कि इन्होंने एक एप्लीकेशन भी कर दी थी कि आप A2A1 प्रोटीन बैन कर दो, सिर्फ हमारा A2 मिल्क चलेगा और A2 मिल्क ब्रांडेड मिल्क करके बेचा जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इस पर्टिकुलर साइंटिफिक लिटरेचर को अच्छे से रिव्यू किया, और फिर 2009 में ही एक रिव्यू पब्लिक किया गया था, रादर उसके बाद भी कई बार ये रिव्यू पब्लिक किया, देखिए कि उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है क्रोनिक डिजीजेस और A1 टाइप ऑफ मिल्क प्रोटीन में, कोई रिलेशनशिप नहीं है। और उन्होंने एम्फसाइज किया कि कैसे सिर्फ पूरी की पूरी बात, सारे पहलू ना देखने के वजह से, गलत निष्कर्ष पे जल्दी कूद जाने के वजह से गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सकती है। एम्फसाइज किया कि रिसर्च आर्टिकल्स को, सारी चीज़ों को, ये नहीं कि एक रिसर्च देख लिया और उसमें जो लिखा है वो सच है, ऐसा नहीं होता, राइट? यू हैव टू पूरा मेटा एनालिसिस करना पड़ता है, तब सच्चाई सामने आती है, राइट? सो दैट इज़ हाउ थिंग्स गो। प्रोटीन केसिन इज़ वेरी गुड, उसके बारे में सारी जानकारी आप जान चुके हैं। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, खा पा रहे हो, तो लंबे समय में केसिन ज़रूर लीजिए। रात को सोने से पहले दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ ज़रूर लीजिए। अगर उन सब से एलर्जी है, तो फिर आप आइसोलेट केसिन लीजिए, या फिर उससे भी प्रॉब्लम है तो ऐसा कोई और तरीका नहीं है कि हाँ उसको साथ फैट ले लोगे, पीनट बटर ले लोगे वे के साथ, तो उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। नहीं, फैट का डाइजेशन स्लो होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं। यहाँ दो अलग चीज़ें हैं। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो करता है केसिन प्रोटीन, नॉट द डाइजेशन। वो पेट से जैसे ही थोड़ा थोड़ा नीचे गया, ब्लड में बिल्कुल वे प्रोटीन के जितनी जल्दी पहुँचेगा, बिल्कुल जल्दी उसी समय उसी स्पीड में पहुंचेगा। फ़र्क यह है कि वे प्रोटीन सारा का सारा खून में चला जाएगा और केसिन थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, बस। तो डाइजेशन रेट वहां पर सेम है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो है, फैट का डाइजेशन ही स्लो होता है। फैट का डाइजेशन में ही 7-8 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फैट के साथ जो भी खाओगे उसका भी डाइजेशन स्लो हो जाएगा, नहीं,
ऐसा नहीं होता। सो ये हुई जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको हमारे वीडियोज़, हमारा काम, हमारी नॉलेज, सही जानकारी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ इस चीज़ों पर बात करने के लिए तो कमेंट सेक्शन पर लिख के लाइक का बटन दबाइए और हमें बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।